हेलो एवरीवन एंड डेली सी सेट सीरीज में फिर से आपका स्वागत है ओके okay, आज रीजनिंग में हम करने वाले हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ओके स्पेसिफिकली मैंने 2017 के आज कुछ क्वेश्चन उठाए हैं तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ये पहला क्वेश्चन है आपका 2017 का फिफ्टीन स्टूडेंट फेल्ड इन फिफ्टी टू आफ्टर रिमूविंग ने मैरिट ऑर्डर लिस्ट है टॉप देखो रैंकिंग वाले क्वेश्चन थे ना तो इसमें एक बीच में कहानी पहले स्टार्ट में उसने दे दी थी फिफ्टी टू uh, में से फिफ्टीन तो फेल हो गई तो पास कितने हुए थर्टी सेवन राइट थर्टी सेवन पास हुए uh, उसने कहा कि जो मेरिट लिस्ट बनाई वो फेल वाले को हटा के फिर बनाई और उसमें पोजीशन ऑफ रामेश जो थी ट्वेंटी सेकेंड फ्रॉम द टॉप थी तो बॉटम से कितनी थी वैसे तो हमें uh, ये पता है कि जो पोजीशन फ्रॉम टॉप पोजीशन फ्रॉम टॉप एंड पोजीशन फ्रॉम बॉटम ये टोटल जो दे रखा है जो अब इसका ना पास वाले ये प्लस वन होता है क्योंकि उसकी अपनी पोजीशन जो है, वो दोनों तरफ काउंट हो रही है टॉप से भी वो उसकी पोजीशन आ रही है, बॉटम से भी आ रही है मतलब उसकी पोजीशन अगर यहां है ये एक्स है तो ऊपर अगर जो भी ए पर्सन है तो उसकी पोजिशन हो गई ए प्लस और नीचे बी है तो बी प्लस तो वो जो उसकी पोजीशन है वो दोनों तरफ से काउंट हो रही है तो डबल काउंट होता है इसलिए हम 37 सेवन प्लस वन लेते हैं राइट right? तो टॉप से अगर 20 सेकेंड है तो बॉटम से कितनी होगी तो बॉटम से हो जाएगी 16 राइट सिक्सटीन पोजीशन हो जाएगी बॉटम से राइट right? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था अदरवाइज आप सिंपली ऐसा कह सकते हैं एक सीधा तरीका विजुलाइज करने का 52 में से 15 फेल हो गए तो 37 जो पास वाले बच गए थे अब आप देखेंगे तो वो कहता है रमेश की पोजीशन ट्वेंटी सेकेंड फ्रॉम टॉप है तो रमेश यहाँ है तो उससे ऊपर 21 और है, राइट जो पास है 21 उससे ऊपर है तो वो ट्वेंटी सेकेंड है तो ट्वेंटी सेकेंड वो हो गया तो टोटल 37 होने चाहिए तो 15 उससे नीचे होंगे 21 22 एंड 15, 37 पूरे हो गए अब नीचे से काउंट करोगे तो फिफ्टीन के बाद सिक्सटीन उसकी आ रही है तो सिक्सटीन पोजिशन उसकी आंसर हो जाएगा राइट right? इजी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं ओके okay, आप पॉज करके पहले ट्राई भी कर सकते हैं क्वेश्चन यहां पे ये सारे क्वेश्चन मैंने आज 2017 के ही लिए हैं यहां क्वेश्चन कंसीडर द फॉलोइंग ए प्लस बी सन ऑफ ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन जो साइन लैंग्वेज के साथ यूज होता है राइट प्लस का मीन सन है ए माइनस बी वाइफ है तो कह रहा व्हाट द एक्सप्रेशन दिस मीन बहुत सिंपल पी प्लस का मतलब था पी इज द सन ऑफ आर ओके पी इज द सन ऑफ आर एंड आर माइनस क्यू है आर इज द वाइफ ऑफ क्यू राइट ये वाइफ हो गई हस्बैंड वाइफ यहां ले लेते हैं तो उसका क्वेश्चन है Uh, यहां पे मीनिंग क्या है क्यू इज द सन ऑफ पी नहीं क्यू इज द वाइफ ऑफ पी नो क्यू इज द फादर ऑफ पी यस सो सी क्यू इज द फादर ऑफ पी ये पी की मदर हो गई ये मदर का हस्बैंड यानी फादर हो गया राइट सो सी ऑप्शन क्यू इज द फादर ऑफ पी करेक्ट आंसर बहुत सिंपल क्वेश्चन था आराम से डूएबल ओके नेक्स्ट देखते हैं एक रीजनिंग का क्वेश्चन है uh, जो ए आर टाइप्स होते हैं जिसमें ग्रिड वगैरह आप बनाते हैं देखते हैं इन अ ग्रुप ऑफ सिक्स विमेन देर आर फोर टेनिस प्लेयर फोर पोस्ट ग्रेजुएट इन सोशोलॉजी वन पोस्ट ग्रेजुएट इन कॉमर्स एंड थ्री बैंक एम्प्लॉयज ओके क्या क्या कह रहा है uh, मतलब सिक्स विमेन है यहाँ पे एक विमला है कमला है एंड देन ये अमाला भी है अच्छा कमला थी यहाँ कोमला भी है एंड देन निर्मला है ओके okay, यही है एक श्यामला भी है तो सिक्स हो गई पूरी अब इसमें से उसने क्या क्या कहा है इसमें कुछ फोर टेनिस प्लेयर हैं टेनिस प्लेयर ये फोर होनी चाहिए ओके okay, मैं कुछ ऐसा ऐसा टेबल सा एक बनाने की कोशिश कर लेता हूँ एक है फोर पोस्ट ग्रेजुएट इन सोशोलॉजी ओके ये पीजी है पोस्ट ग्रेजुएट इसमें से चार सोशोलॉजी वाले आएंगे और एक कॉमर्स का राइट ओके एंड थ्री बैंक एम्प्लॉय बैंक एम्प्लॉय जो है वो थ्री है तो कुछ ऐसा हम फिल करने की कोशिश कर लेते हैं जो भी वो बोल रहा है राइट right? अब उसने यहां से स्टार्ट किया विमला एंड कमला आर द बैंक एम्प्लॉ विमला बैंक एम्प्लॉय है कमला बैंक एम्प्लॉय है वाइल अमाला एंड कोमला आर अनएम्प्लॉयड ओके ये तो अनएम्प्लॉयड है ओके okay? तो मैं अनएम्प्लॉयड बैंक एम्प्लॉय वाले केस में अनएम्प्लॉयड कर देता हूं कोमला एंड निर्मला आर अमंग द टेनिस प्लेयर ओके कोमला एंड निर्मला अमंग द टेनिस प्लेयर अमाला कमला कोमला निर्मला आर पोस्ट ग्रेजुएट इन सोशोलॉजी ओके सोशोलॉजी वाले कौन से कौन से हैं ये है कोमला कमला uh, भी है राइट right, कोमला भी है और निर्मला है ओके okay, सोशोलॉजी वाले तो पूरे हो गए इफ श्यामला इज ए पोस्ट ग्रेजुएट इन कॉमर्स ये कॉमर्स वाली आ गई, ये भी पूरा हो गया तो यहां कोई और पोस्ट ग्रेजुएट नहीं आएगा ओके इज बोथ अ टेनिस प्लेयर एंड अ बैंक टेनिस प्लेयर एंड अ बैंक एम्प्लॉय ओके कौन सा हो सकता है मैं यहां से लेके चलता हूं ऑप्शंस में अमला बैंक एम्प्लॉय नहीं है कैंसिल कर दो कोमला टेनिस प्लेयर है बट बैंक एम्प्लॉय नहीं है कैंसिल कर देता हूं राइट निर्मला टेनिस प्लेयर है बैंक एम्प्लॉय का पता नहीं तो हो सकते हैं श्यामला टेनिस प्लेयर राइट इसमें कुछ और था हमारे पास ओके okay. फिर भी हम इसमें देख लेते हैं अच्छा टेनिस प्लेयर हमारे पास देर आर फोर टेनिस प्लेयर फॉर दिस कुछ और दिया था क्या विमला एंड कमला आर द बैंक एम्प्लॉय अमला एंड कमला आर कोमला ओके एंड निर्मला आर आर अमंग द टेनिस प्लेयर्स दीज ऑफ होम टू आर बैंक एम्प्लॉय ओके अच्छा ये बताया था ऑफ होम टू आर बैंक एम्प्लॉयज ये बता रखा था राइट सोशोलॉजी में से दो ही बैंक एम्प्लॉय ये बताया था तो सोशोलॉजी वाले में ये आप देखो एक दो तीन चार थे इसमें से दो बैंक एम्प्लॉय होने थे तो दूसरा बैंक एम्प्लॉय ये होगा राइट तो तीसरा हमें बैंक एम्प्लॉय मिल गया था इसका मतलब निर्मला ही एक ऐसी थी जिसमें टेनिस प्लेयर और बैंक एम्प्लॉय दोनों हो तो ये करेक्ट आंसर आपका सी ऑप्शन था राइट ओके तो चलो सॉल्वेबल था मतलब बट टाइम कंज्यूमिंग था एक सिंगल क्वेश्चन के हिसाब से कंज्यूमिंग था ये क्वेश्चन तो नेक्स्ट पे आ जाते हैं अग, next question भी हमारा 2017 सी सेट से ही है. बट ये आपका जैसे आप करते हो तो सिलॉग्स का एक लोअर वर्जन था मतलब एक था ये. दे तो ज्यादा रखी थी मतलब पढ़ के आपको समझना था कि क्वेश्चन कैसे दिया हुआ है चार स्टेटमेंट दी थी ऑल स्टेटमेंट no, दी हुई थी बट उसने कहा था गिवन दैट स्टेटमेंट फोर इज ट्रू तो ये ट्रू दे रखी है सम कलर्स आर नॉट प्लेजेंट ओके तो अगर मैं ये कहूं ना कलर्स और ये प्लेजेंट तो सम कलर्स आर नॉट प्रेजेंट ये वाला एरिया पक्का कंफर्म था इनका कोई आपको पता नहीं राइट right? तो कहते व्हाट कैन बी डेफिनेटली डेफिनेट कौन सा कंक्लूजन हो सकता है एंड ऑल कलर्स आर प्रेजेंट नो राइट ये डेफिनेट कंक्लूजन हो ही नहीं सकता ऑल कलर्स आर प्रेजेंट प्लेजेंट तो हो ही नहीं सकता तो ये वाली स्टेटमेंट तो गई थ्री इज ट्रू नो कलर इज प्लेजेंट नो कलर इज प्लेजेंट में आपको पता नहीं ये बीच में कलर और प्लेजेंट में भी ओवरलैपिंग हो सकती है यू डोंट नो यू कैन नॉट कंक्लूड दिस टू इज फॉल्स सम कलर्स आर प्लेजेंट समेजेंट हो सकता है फॉल्स आप कह नहीं सकते कंक्लूड नहीं कर सकते फॉल्स के बारे में भी वन इज फॉल्स ऑल कलर्स आर प्रेजेंट ये पक्का ही ऑल कलर्स आर प्रेजेंट इज पक्का फॉल्स राइट वन इज फॉल्स ये डेफिनेट कंक्लूजन है क्यों कुछ कलर तो यहां पक्का दे रखे हैं जो प्रेजेंट नहीं है वो कह रहा है ऑल कलर्स आर प्रेजेंट ये वाली स्टेटमेंट पक्का ही फॉल्स है राइट right? अगर फोर्थ ट्रू है अगर फोर्थ ट्रू है तो वन वाली डेफिनेट फॉल्स है तो वन इज फॉल्स यू कैन डेफिनेटली कंक्लूड राइट right? तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर थी आप पक्का कह सकते हैं कि जो वन स्टेटमेंट वन है फॉल्स अगर फोर्थ ट्रू राइट ओके तो ये हमारा सक्षम सी सेट कोर्स मैं हर बार आपको बता देता हूं कि कंप्लीट पैकेज है जिसमें कि सारा का सारा आपका मतलब क्लासेस के साथ हर क्लास के साथ पीडीएफ है प्रैक्टिस असाइनमेंट जो होती हैं टेलीग्राम ग्रुप में भी आप हमसे जुड़ सकते हैं और साथ में टॉपिक वाइज टेस्ट आपका लाइव डाउट रेजोल्यूशन सेशन मॉक्स कंप्लीट पैकेज है आपका राइट आप ये ले सकते हैं सक्षम सी सेट कोर्स तो आज के लिए इतना ही सी यू इन द नेक्स्ट सेशन बाय बाय नमस्ते जय हिंद थैंक यू